अभी गर्मियों की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है और पीने के पानी की किल्लत राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शुरू हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी की विधायिका और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान के ऑफिस पर स्थानीय महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने मंगोलपुरी के सबसे व्यस्त चौराहे को भी जाम कर दिया, जिसको खुलवाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए और काफी लंबा जाम लग गया। यहां पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने जमकर स्थानीय विधायिका राखी बिड़लान के खिलाफ मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगाए। साथ ही आरोप लगाया कि इलाके में पिछले 15 दिनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है और हर रोज यहां शिकायत करने पर भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में आज यहां पर स्थानीय महिलाओं का सब्र टूटा और उन्होंने स्थानीय विधायिका के ऑफिस पर हाथों में गंदे पानी की भरी हुई बोतलें लेकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। राखी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, आज हमें 16 दिन हो गए, 5 बार आ चुके हैं, कोई कर्मचारी आगे नहीं बढ़ता ना हमारी समस्या पूछ रहा, ताला लगा देते हैं, हमें बाहर ढकेल देते हैं। जिस गली में साफ पानी आ रहा है उस गली में इन्होंने पैसे लेके रिश्वत बदले के कर्मचारियों ने हमारी गली से पानी दूसरी गली को दे दिया। हम ये चाहते हैं हमारी गली को पानी जो आता था हमारी गली को ठीक करें, सबको पानी दें। ये मोदी जी को भी दिखाओ कि हमारी क्या समस्या है और आम आदमी पार्टी का मतलब क्या है, ये हमें समझाएं आके। हमें 4-5 दिन हो गए यहाँ आते आते, रोज कहते हैं, लेकिन ये या तो हमारा ऑफिस बंद कर देते या धक्का मार देते हमारे, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है और कहते हैं आज आ जाए कल आ जाएगा, लेकिन कोई इसका समस्या का 15 दिन से बिल्कुल नहीं हो रहा। सर हम बहुत परेशान है, हमारी समस्या कैसे भी हल की जाए। विधायिका के ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि पिछले 15 दिनों से इलाके में पानी की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और नलों में सीवर का गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जिन्हें बोतलों में साफ देखा जा सकता है। ऐसे में आखिर इस पानी को कैसे पिया जा सकता है। वहीं एक तरफ जहां पीने के पानी की भारी किल्लत से यहां के लोग रोज परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इलाके में लगे ज्यादातर हैंडपंप्स को भी सरकारी आदेश के बाद काट दिया गया है, जिससे लोगों के लिए समस्या और ज्यादा विकराल हो गई है। अब लोगों का आरोप है कि ऐसे में बिना पानी के आखिर घर के कामकाज कैसे करें और लगातार यहां एमएलए के ऑफिस पर चक्कर लगा लगाकर परेशान हो गए हैं। और तो और यहां ना तो विधायिका ही मिलती है और यहां ऑफिस से उन्हें भगा तक दिया जाता है। यहां प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी आप सरकार को जमकर कोसा और नारेबाजी की। सर यहाँ पर पानी कम से कम 15 दिन से लोग परेशान हैं, पोटी वाला पानी आ रहा है, इसको बच्चे पीकर क्या जिएंगे या मरेंगे, और इतनी पब्लिक आ रही है कोई सुनवाई नहीं है, कम से कम 3 घंटे से परेशान हो रही है पब्लिक, अपने घर के बच्चे छोड़कर कोई अस्पताल से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, ये क्या परेशानी है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो आपने यहाँ आकर बात की? बात की है, वो कह रहे हैं कोई नहीं काम चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं है, दरवाजे बंद कर रखे हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं, पब्लिक बुला दी है उन्होंने, यहाँ इकट्ठी पब्लिक तो पुलिस बुला के रख दी है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं के गुस्से को देखते हुए इलाके में जल बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस के बीच लोगों को समझाने की कोशिश की और एरिया में मरम्मत का हवाला देते हुए अगले 2-3 दिन में पानी की किल्लत की समस्या को दूर करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही पीने के पानी के लिए इलाके में जगह जगह पानी के टैंकर्स भेजने की भी बात कही, जिसके काफी देर बाद आखिरकार महिलाएं शांत हुई और जल बोर्ड अधिकारी और स्थानीय विधायिका को चेतावनी देते हुए 2 दिन में समस्या का हल नहीं होने पर और ज्यादा बड़े प्रदर्शन की बात कही। अभी तत्काल जो है ना, तत्काल जो पानी की कमी आ रही है बहुत सारे जगह में, तो ब्लॉक में आ रहे हैं पानी, कहीं कहीं जहाँ दिक्कत है उसके लिए क्या है कि हमने टैंकर का भी अरेंजमेंट कर रखा है, और दूसरा जो कमी है इसके लिए हम एक कनेक्शन भी करा रहे हैं जिससे पानी और बढ़ जाएगा। कब तक समस्या दूर हो जाएगी? ये जो है ना परसों तक जो है ना, ये लगभग समस्याएं जो है ना परसों के बाद फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पुरानी अवस्था में आ जाएगा। परसों नहीं हुआ। बहरहाल पीने के पानी के लिए इस तरह के प्रदर्शन अब दिल्ली के कई इलाकों में शुरू हो गए हैं और यदि अभी गर्मी की शुरुआत में ही ये हाल है तो आने वाले दिनों में दिल्ली में पानी के लिए कितना हाहाकार होगा इसका अंदाजा अभी से ही लगाया जा सकता है। अब ऐसे में सरकार को जरूरत है कि वो लोगों के लिए पानी की इस समस्या का जल्द और स्थायी समाधान करे। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।